हेलो एवरीवन, नीविला क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं निवेदिता जसवाल आज आपको बताऊंगी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति को किसी भी दूसरे देश या राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसको सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि आपको लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जो अपने मूल राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में पहचाना जाता है, केवल उसी राज्य में संविधान के तहत आरक्षण के सभी लाभों का हकदार होगा और प्रवासी राज्य संघ शासित प्रदेश में आरक्षण के लाभ का वो हकदार नहीं होगा। दिल्ली में सरकारी रोजगार में अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण केंद्रीय सूची के हिसाब से मिलेगा। 5 जजों के संविधानिक पीठ ने, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एन वी रामना, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस एस अब्दुल नाजिर शामिल थे, ने ये फैसला सुनाया है कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति को आंध्र प्रदेश में एससी के रूप में घोषित किया जाता है तो महाराष्ट्र में उनके प्रवास पर एससी कोटा का लाभ का हकदार नहीं होगा। अर्थात कोई भी फॉर्म फिलअप करता है वो आंध्र प्रदेश का व्यक्ति रहता है और कोई भी फॉर्म फिलअप करता है वो ये महाराष्ट्र का, तो उसको एससी कोटा का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो आंध्र प्रदेश का व्यक्ति है। क्योंकि इस तरह के लाभ उठाने से महाराष्ट्र में रहने वाले एससी व्यक्ति का कोटा से वंचित हो जाएंगे। ये फैसला 4-1 के बहुमत से दिया गया है। एक अलग फैसले में जस्टिस भानुमति ने इस सीमा तक फैसला दिया है कि कोटा का लाभ दिल्ली में भी प्रवासी एससी के लिए उपलब्ध नहीं होगा। संविधान बेंच एक संदर्भ का जवाब दे रही थी, क्या एक राज्य का व्यक्ति जो वहां अनुसूचित जाति में है दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है या नहीं। अपने मुख्य फैसले में जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 341 के 1 में, जो खंड 1 है, उसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है और जहां वह यह राज्य है, राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जातियों को निर्दिष्ट करने के लिए जनजातियों या जातियों या जातियों एवं जनजातियों के समूहों या संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ शासित प्रदेशों के संबंध में अनुसूचित जाति समझा जा सकता है। जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जनजातियों के मामले में राष्ट्रपति को संविधान के आर्टिकल 342(1) के तहत सामान्य रूप से अधिकार दिया गया है। जस्टिस गोगोई ने कहा कि एक राज्य में एससी से संबंधित व्यक्ति को किसी भी अन्य राज्य के संबंध में एससी व्यक्ति माना नहीं जा सकता जिसके लिए वो रोजगार या शिक्षा के उद्देश्य से प्रवास करता है। यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भारत के पूरे क्षेत्र में उस स्थिति का लाभ मिलता है तो उस राज्य के संबंध में अभिव्यक्ति जो है सूक्ष्म हो जाएगी। आगे जस्टिस गोगोई ने कहा कि अगर किसी भी शेष राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को दिए गए विशेषाधिकार या अधिकार के सभी राज्यों में उपलब्ध कराए जाएंगे और यदि ऐसे राज्य ए से राज्य बी में माइग्रेशन किया जाना है तो आर्टिकल 341 या आर्टिकल 342 का जनादेश का समझौता किया जाएगा। इस तरह का परिणाम से बचा जाना चाहिए क्योंकि यह एक मौलिक सिद्धांत है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण के लाभ एक राज्य संघ शासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगे जिसके संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रपति आदेशों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को अधिसूचित किया जाता है। बेंच ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्टिकल 341 के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति आदेश अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आर्टिकल 342 के तहत न्यायालय समेत किसी भी प्राधिकारी द्वारा अलग या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह अकेले सांसद जिसे उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर कानून और उससे परे कानून के लिए निहित किया जाएगा। अदालत ने कहा है कि यदि किसी राज्य की राय में उस विशेष राज्य के लिए सूची में निर्दिष्ट एसटी या एससी की कक्षा या श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाना आवश्यक है तो संवैधानिक अनुशासन की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लिस्ट को खुद से बदलाव नहीं कर सकती बल्कि ये सांसद के माध्यम से राष्ट्रपति के अधिकार के दायरे में है।
राज्य सरकार सांसद की अनुमति से लिस्ट में बदलाव कर सकती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन द्वारा उचित संसदीय अभ्यास को सक्षम किया जा सकता है। यह कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 16 का जो खंड 4 है, आरक्षण प्रदान करने की शक्ति के आधार पर राज्यों द्वारा एक तरफा कार्रवाई संवैधानिक अराजकता का एक संभावित ट्रिगर बिंदु हो सकती है और इसे संविधान के तहत अपरिहार्य माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर मिलूंगी लॉ के नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।